हाय गाइस, मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं टेक बार। और आप लोग को पता होगा जो फ़ोन के ऊपर GST लगता था वो 12% था और अब सीधा 18% लगने लगा है, मतलब इंक्रीमेंट हो गया है। तो उसकी वजह से जितने भी फ़ोन थे उनका प्राइस बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं ये एक सीरीज़ बना रहा हूँ कि लॉकडाउन के बाद अगर आप कोई भी फ़ोन ख़रीदने जाते हो तो जितने भी फ़ोन हैं तो इंक्रीमेंट के बाद उनका कितना प्राइस बढ़ जाएगा। तो मैं आज आप लोग को सारे Xiaomi फ़ोन्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि अगर आपके माइंड सेट है कि मुझे सिर्फ रेडमी या फिर Xiaomi या फिर पोको का फ़ोन ख़रीदना है तो उनके नए प्राइस क्या है और कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आज के लिए। कल मैंने ये सेम वीडियो बनाई थी रियलमी को लेकर भी, अगर आप रियलमी के फ़ैन हो तो आप वो भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं महंगे वाले फ़ोन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ़ोन आ जाता है Redmi K20 Pro। इस फ़ोन का पहले प्राइस था 25,000 रुपये और अब सीधा 27,000 रुपये हो गया यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है ये। बट स्टिल 27,000 रुपये के हिसाब से भी मैं कह सकता हूँ कि फ़ोन दिखने में तो आज भी दी बेस्ट है। खासकर इसका जो पॉपअप कैमरा है वो बहुत ही कूल लगता है, उसके अंदर लाइट भी जलती है तो काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है फ़ोन को, मतलब एक स्टेप ऊपर ले जाता है डिज़ाइन डिपार्टमेंट के अंदर। और ऊपर से जो इस फ़ोन का बैक पैनल है ये फ्लेम डिज़ाइन के साथ आता है और इसका ब्लू कलर भी बहुत ही कूल है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट दिखने वाला फ़ोन है आज भी मार्केट के अंदर। बट हाँ, ये कहना चाहूँगा मैं स्नैपड्रैगन 855 के साथ, ये प्रोसेसर तो इसका बेस्ट नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि रियलमी X2 Pro जो है वो ज़्यादा अच्छे प्रोसेसर ज़्यादा अच्छे हार्डवेयर के साथ आता है। स्टिल अगर आपको सिर्फ रेडमी का फ़ोन चाहिए हो तो आप इसको एक बार ज़रूर देख सकते हो। बट गुड न्यूज़ ये भी है, अगर आप वेट करना चाहो रेडमी K30 Pro आने वाला है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। पता नहीं वो किस नाम से आएगा, अभी कुछ भी श्योरिटी नहीं है, तो आप उसके लिए भी वेट कर सकते हो। वो भी बहुत ही कमाल फ़ोन आने वाला है और उसमें जो है Xiaomi का भरोसा भी होगा, जो जनरली जो है Xiaomi फैंस ज़्यादा है यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहूँगा K20 Pro अच्छा ऑप्शन है प्राइस के हिसाब से अभी भी, बट अगर वेट कर सको तो दी बेस्ट रहेगा। अब नेक्स्ट फ़ोन है Redmi K20। इस फ़ोन का प्राइस पहले से ही बहुत ज़्यादा था 20,000 रुपये और अब सीधा 22,000 रुपये हो गया है। तो मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल ही मत खरीदना, बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन नहीं है। इस फ़ोन के लिए वैल्यू फॉर मनी वर्ड यूज़ होना भी नहीं चाहिए, तो अवॉइड कर सको तो ज़रूर कर देना। अब नेक्स्ट फ़ोन आ जाता है पोको X2। अब पोको के ज़्यादा फ़ोन अवेलेबल नहीं है तो मैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसलिए रेडमी के अंदर ही मैं इसको घुसा रहा हूँ। बट पोको X2 की बात करूँ तो इस फ़ोन का प्राइस जो है 16,000 रुपये था, अब इस पर 1,000 रुपये और बढ़ा दो, अब 17,000 हो जाएगा इसका इंक्रीमेंट के बाद। बट 17,000 रुपये के हिसाब से भी ये फ़ोन मेरे हिसाब से मार्केट में दी बेस्ट बन जाता है। स्पेसिफिकेशंस लगा लो, ऊपर से हाई रिफ्रेश रेट 120Hz का देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में किसी भी फ़ोन में नहीं देखने को मिलता। बहुत ही अच्छा रिफ्रेश रेट है। चार्जिंग टेक्नोलॉजी 27 वॉट की देखने को मिल जाती है। बहुत ही हाई कैपेसिटी वाली बैटरी है, जो स्पेसिफिकेशंस के मामले में ये फ़ोन दी बेस्ट है। इसके अंदर हमें MIUI देखने को मिल जाती है, जो कि रेडमी की तरफ से ही आती है और वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फीचर लोडेड है बट उसके अंदर बहुत ही वाहियात गंदे किस्म के ऐड देखने को मिलते हैं, बस इसलिए मेरा मूड ख़राब हो जाता है। बट स्टिल अगर मैं सिर्फ बात करूँ वैल्यू फॉर मनी के बारे में तो पोको X2 दी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। आप आँख बंद करके भी खरीद सकते हो, चाहे इसका प्राइस 17,000 हो गया है, फिर भी मैं कहना चाहूँगा ये फ़ोन दी बेस्ट है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो नीचे लाइक बटन मिलेगा, क्लिक कर दो, काफ़ी अच्छा लगेगा यार मेरे को। अब नेक्स्ट फ़ोन आ जाता है Redmi Note 9 Pro। अब इस फ़ोन का जो प्राइस बहुत ही अच्छा आया था 13,000 रुपये, बट ऐसा बताया जा रहा है कि इंक्रीमेंट के बाद इस फ़ोन का प्राइस 14,000 रुपये हो सकता है। और 14,000 प्राइस रेंज देखते हुए चलूँ तो मेरे हिसाब से ये इतने अच्छे फीचर्स के साथ नहीं आता। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं है, कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलता, तो कोई ट्रेंड भी फॉलो नहीं करता, ऊपर से चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी काफ़ी आउटडेटेड है 18 वॉट की, तो ये काफ़ी सारी कमियों के साथ आता है। बट हाँ, अगर आपकी ज़िद है कि आप हमेशा रेडमी खरीदते आए हो, खासकर नोट सीरीज़, तो फिर भी आप इसे देख सकते हो। बट मैं फिर भी इन्फॉर्म करना चाहूँगा, ऑनेस्टली ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी या फिर मैं कहूँ इतना फीचर लोडेड या फिर ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, तो अवॉइड कर सको तो कर लो। बट वहीं पे जो Redmi Note 9 Pro Max है, अभी उसका प्राइस मुझे खास नहीं पता है, बट हाँ आप उसकी तरफ ज़रूर देख सकते हो उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे प्रो फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग वाली बात है, क्योंकि इस बार Redmi ने अच्छा काम नहीं किया, ये बात बिल्कुल एक फैक्ट है। अब नेक्स्ट फोन आ जाता है Redmi Note 8 Pro। तो वैसे बता देता हूँ कि सिर्फ 6GB अवेलेबल होगा इंटरनेट पे, अगर आपको फिर भी जो है इसका बेस वेरिएंट मिल जाता है तो उस पर 1,000 प्लस कर लेना, इतना उसका नया प्राइस होगा। बट मैं कह सकता हूँ कि Redmi Note 8 Pro एक अच्छा फ़ोन है, काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन के साथ आता है, कैमरा भी उसका बहुत ही कमाल का है। मैंने देखे है लोग कितनी कमाल कमाल फोटोज़ खींच लेते हैं उस फ़ोन से भी, तो उस पर से उसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी मैं ओके ही बोलना चाहूँगा। अब नेक्स्ट फोन है Redmi Note 8
डेट। अब ये फ़ोन जब आया था 10,000 रुपये इसका प्राइस था बेस वेरिएंट का, और अब सीधा 11,000 हो गया है, 1,000 रुपये की इंक्रीमेंट हमें देखने को मिली है। बट अच्छी बात ये है कि ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, इसका कैमरा ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, खासकर इसकी बिल्ड क्वालिटी इसको बहुत ही एक यूनिक फ़ोन बनाती है बाकी अगर इसे कॉम्पिटिशन से कंपेयर करूँ तो। आप इसके ऊपर ज़रूर नज़र डाल सकते हो, क्योंकि इंक्रीमेंट के बाद भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है, बट हाँ अगर मैं डिज़ाइन, कैमरा और ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते चलूँ तो Redmi Note 8 कोई बुरा फ़ोन नहीं है। तो अगर आप कोई भी Redmi का फ़ोन खरीदना चाहते हो 10-11 हज़ार रुपये के आसपास का, तो मेरे हिसाब से आप इसके ऊपर नज़र ज़रूर डाल सकते हो। ये बेस्ट ऑप्शन तो नहीं है मार्केट के अंदर, बट हाँ Redmi के हिसाब से ओके है। और बाकी Redmi फोन्स की भी मैं नई प्राइस बता देता हूँ आपको जो बच गए हैं, जैसे कि Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7S, ये भी नए नए प्राइस के साथ आए हैं। अभी ऑफिशियल नहीं है, बट हाँ ऐसा बताया जा रहा है कि यही इसके आसपास ही आपको प्राइस देखने को मिलेगा, हो सकता है कि पूरे एक्यूरेट भी हो, तो ये भी नए प्राइस है। अब लास्ट फोन आ जाता है Redmi 8A। सीरियसली गाइज, ये फोन का जो प्राइस था ना, मेरे हिसाब से सुपर वैल्यू फॉर मनी था, 6,500, और अब 500 रुपये इसमें बढ़ा लो, 7,000 रुपये का आता है फ़ोन। अभी भी मैं कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छा फ़ोन है, Realme C3 से मुझे ज़्यादा पसंद आया, ज़्यादा वेल ऑप्टिमाइज है, ज़्यादा हैंग भी नहीं करता, मेरे को एक बेटर ऑप्शन लगता है ओवरऑल, मेरे को फ़ोन दिखने में भी कोई बुरा नहीं लगता। कैमरा मैं कहूँगा कि ऑब्वियसली इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इतने अच्छे नहीं होते, बट फिर भी कैमरा भी इसका मैं ओके बोलना चाहूँगा, आप उसको फिर भी यूज़ कर सकते हो, और बैटरी कैपेसिटी भी काफ़ी कमाल की है। तो अगर आप इस प्राइस रेंज में कोई फ़ोन ढूंढ रहे हो Redmi की तरफ से, तो Redmi 8A फिलहाल फिर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है प्राइस इंक्रीमेंट के बाद भी, तो इस पर नज़र डाल सकते हो लॉकडाउन के बाद। यहाँ पर लिस्ट खत्म हो जाती है। मुझे पता है कि Redmi ने इस साल जो है इतना अच्छा काम नहीं किया है, थोड़ा सा Realme बाजी मार रहा है बार बार, बट फिर भी मैंने जो है Redmi की पूरे फोन्स की लिस्ट बनाई दी है नए प्राइस के साथ। तो मुझे बताना कि आप कौन सा फ़ोन पिक करने वाले हो लॉकडाउन के बाद। और यहाँ पर खत्म हो जाती है वीडियो, लाइक करके जरूर जाना और सब्सक्राइब करके हमारी टैगिंग ज्वाइन कर लो, हम क्वालिटी भी रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।